जिस तरह से एक के बाद एक लगातार बीजेपी का कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे तो साफ यही जाहिर होता है कि दिसंबर के अंत में या फिर अगले साल जनवरी की शुरुआत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी दिल्ली नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल मेरे साथ है और साथ ही साथ ओबीसी मोर्चे के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपने कहा अभी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब बाकायदा ओबीसी मोर्चे तक और अनुसूचित जातियों तक एक आउटरीच प्रोग्राम होगा, यानी समाज के बीच में जाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि जो पहले वोटर थे या जो बेस वोटर थे वो अब खिसक रहे हैं आपसे, या इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत पड़ी? देखिए, हमारा पहले अपना वोटर हमारा था। भारतीय जनता पार्टी 12 महीना 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। जब पार्टी अपना जनाधार बना के चलती है, जो ऑलरेडी था, जो पिछली बार का हमारा वोट था, और जब हम 51+ वोट के लिए परसेंट के लिए बात करते हैं, तो हम सभी वर्गों को माने प्रधानमंत्री जी की योजनाएं बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, तो उनको लेके जाएंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो वोट शेयर पड़ेगा वो 51% से ऊपर पड़ेगा। नहीं तो MCD के काम को नहीं बता रहे लोगों के बीच में, मोदी जी के काम का भी, मोदी जी के नाम का सहारा MCD इलेक्शन में भी? MCD के काम भी है। MCD के 15 साल में हमने सफाई कर्मचारी को पक्का करना हो, नए स्कूल्स बनाने हो, जिम बनाने हो, हमने पार्क्स को डेवलपमेंट करना हो, हमने गलियों में LED लाइट्स का लगाने का हो, हमने भारत कॉम्पैक्टर मशीन, भारत वंदे पार्क बनाने का हो, अनेकों ऐसे काम हैं दिल्ली नगर निगम के जो बताने लायक है, जिनके कारण हमने 2012 में भी जीत दर्ज करी, 2017 में भी जीत दर्ज करी और 2022 में भी जीत करेंगे। हम कोई चुनावी नारे और खोखले वादों के साथ नहीं जाते हैं, हमने काम किए, सेवा का काम किया है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम बहुत महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। इसको भ्रष्टाचार से बचाना है, इनकी दलाली से बचाना है, इनकी गुंडई से बचाना है। 42 जो सीटें हैं वो रिजर्व में आती हैं, ऐसे में बहुत सारी जातियाँ हैं जिन तक आप जाहिर तौर पर पहुँच बनाएंगे ताकि वो आपके पाले में आ सकें। इन सब के बीच जो परिसीमन पर कोर्ट में कांग्रेस गई है, क्या आपको लगता है कि चुनाव अब होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब लगता है पेंच फंस गया, अब कोर्ट के पाले में गेंद चली गई? कोर्ट ने मुझे नहीं लगता कोई स्टे दिया है चुनावी प्रक्रिया, कोर्ट ने कुछ इलेक्शन कमीशन से पूछा है, तो जो उनके बीच में जो भी पत्र व्यवहार होगा। भारतीय जनता पार्टी, तो मैंने कहा ना, 12 महीने काम करते हैं, हम अपने काम कर अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और हमारा विजय के संकल्प के साथ, जीत के संकल्प के साथ, कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता पे किए हुए विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः 2/3 बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज करेगी। आप विश्वास पर कितने खरे उतरते हैं, इलेक्शन अनाउंस होगा उसके बाद देखेंगे। फिलहाल भूपेन जी से बात करते हैं। ओबीसी मोर्चे ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें साफ तौर पर आपने कहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दिल्ली सरकार ने वो नहीं की हैं, तो एक बार आप बताएंगे कि क्या ऐसा मुद्दा था जो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ अभी तक या दिल्ली सरकार ने नहीं किया, जैसे प्रमाण पत्र की आपने बात कही? प्रमाण पत्र वाला विषय ओबीसी मोर्चे का और SC मोर्चे का दोनों का है। उसके अलावा मैं विषय क्या है थोड़ा, जैसे बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनके प्रमाण पत्र लगातार जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, उनके सर्टिफिकेट पे किसी ना किसी कारण से रोक लगा दी जाती है, किसी ना किसी कारण से उनको भगा दिया जाता है, वो लगातार बेचारे किसी जो लाभ उनको मिलना जातियों के आधार पे वो लाभ नहीं मिल पा रहा। तो भूपेंद्र जी, बहुत पहले से मुद्दा उठाना चाहिए था, अभी चुनाव से ठीक पहले आप लोग आ गए। लगातार हमारा मुद्दा ये चल रहा है, इसके लिए हमने प्रदर्शन भी किया, इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई से भी काम कर रहे हैं, इसके लिए हम पत्र व्यवहार भी हमारा लगातार चल रहा है, और इसके लिए ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, मैं SC मोर्चे का प्रदेश, लगातार हम लोग डेलीगेशन ले जाके विभिन्न अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि ओबीसी और SC मोर्चे का एक ही इशू है, आप कह रहे हैं प्रमाण पत्र का मुद्दा था, तो ये चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बातें उठाना, और वो पहले से ही ये मुद्दा उठाते? मैं समझता हूँ आपको लग रहा है चुनाव से पहले उठा रहे हैं, हम इसको लेके उनसे 1 साल पहले भी, 1.25 साल पहले भी और पत्र व्यवहार कर चुके हैं। आपको लग रहा है चुनाव, अब हम क्षेत्र में जब जाएंगे, समाज सम्मेलन करेंगे, वहाँ पर इस बात को रखेंगे कि दिल्ली सरकार हमारे प्रमाण पत्र नहीं बना रही है? और ये नहीं, हमारी समाज अब की जब हमें बैठ के शुरू होंगी, मीटिंग शुरू हो तो वही बात रखेंगे ना जी, जैसा आपने आज पूछा। कितने सफाई कर्मी है, तकरीबन 50,000 हैं, 2,000 से भी कम है वो अभी परमानेंट हुए हैं, पक्का हुए हैं, तो ये आवाज आप लोगों ने नहीं उठाया? सन 2000 के बाद लगभग 7,600 सफाई कर्मी पक्के हुए, इसके बीच में 5 साल कांग्रेस का भी काल शासन रहा, और अगर ये जो 7,600 सफाई कर्मचारी पक्के हुए तो 2007 से लेकर 2022 तक इसी शासन काल में जो पक्के हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के काल में हुए, कुछ दिक्कतें जो दिल्ली सरकार की ओर से लगातार आती है, पैसों की, पैसे रोकने की बात हो,
पैसों के अलावा फंड्स रोकने की बात हो, जब बहुत सारी चीज़ों के कारण कुछ सफाई कर्मियों को पक्का करने की भी वो कहीं ना कहीं वो दिल्ली सरकार की रोक की वजह से रुके हुए हैं। जो फिलहाल 22 मई है यानी इसी साल का जो 22 मई है उसके बाद से निगम एक हो गया है, ऐसे में अब देखना ये है कि ये जो संकट बताया जाता है सैलरी का, वो आगे कितने दिन तक काम करता है या क्या ये संकट आगे दूर भी होता है। अंकित खंडेलवाल के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।